ताकि सब हो जाएंगे सरकारी शिक्षक और उसमें पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हम लोगों का उद्देश्य है, तो इस काम को हम लोग करने जा रहे हैं और आप जानते ही हैं कि कितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने किया है। जो हम लोगों ने किया पहले से भी कर रहे थे और 7 निश्चय 2 में तो जो हम लोगों ने तय किया कि 10 लाख बहाली होगी, तो आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में बहाली हो रही है। अब आप समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा अब तक 3,63,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी में बहाली हो गई है और इसमें ये और लोगों का भी काम चल रहा है, तो बहुत जल्दी बहाली पूरी होने वाली है और कुल मिलाकर के बहुत शीघ्र ही हम लोग वो भी काम करने वाले हैं। तो 10 लाख तो वैसे लोगों का हो जाएगा विभिन्न सरकार की नौकरियों में, खाली शिक्षक की बात नहीं अन्य बहालियों में भी सबकी बहाली हो रही है और वो सब हो रहा है। तो सब लोगों को भी सब काम हम लोग दे रहे हैं और इसके लिए रोजगार अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया है, 5 लाख रोजगारों को रोजगार मिल गया। तो हम लोगों ने कहा था कि 10 लाख को बहाली देंगे और 10 लाख को रोजगार देंगे, तो अभी समझिए कि लगभग 5 लाख के करीब भी बहुत जल्दी पूरा होने वाला है बहाली भी और रोजगार भी 5 लाख का, लेकिन बाकी भी हम लोग 1.5 साल के अंदर पूरा का पूरा बाकी भी 5 साल हम लोग पूरा कर देंगे ताकि सब लोगों की बहाली हो जाए। और भी जरूरत पड़ेगा तो जान लीजिए कि अभी लोगों को लग रहा 10 ही लाख, लेकिन हम जितना अलग अलग विभागों का देख रहे हैं तो यहाँ पर तो बैठे ही हुए हैं सब विभाग के प्रमुख लोग भी, तो लोगों को मालूम ही है, तो इसीलिए वो 10 लाख से भी ज्यादा बहाली होगी। तो जान लीजिए 10 ही लाख नहीं, 10 लाख से भी ज्यादा बहाली होगी। तो ये सब काम तो हम करेंगे, हम लोग तो अपना काम करते हैं, हमारे सब पत्रकार मित्र यहाँ पर मौजूद हैं, तो कभी आप बोलिए या मत बोलिए अपने तरफ रखे रहिए जरूर दिमाग में बात, लेकिन आप जब बोलिएगा तो आप सब किसको बोलने देगा, कोई छापने देगा, छापने उपने में तो दिक्कत होता है ना, तभी मेरा बतवा तो नोट किए ही हुए, तो इसमें तो पते चलेगा आपको सब कि हम लोग और कितना बहाली कर रहे हैं और हम लोग सारा काम करते हैं, हम लोग दुष्प्रचार नहीं करते, हम लोग काम में लगे हुए हैं और सब लोग पूरे तौर पर पूरा मेहनत करते रहते हैं और सब कुछ काम करते रहते हैं। तो हम लोग भी पूरे के पूरे तौर पर सब कुछ कर ही रहे हैं और आप सब लोगों को मालूम ही है कि हम सब लोग तो जो भी होगा तो इस पर जो पूरा का पूरा जो हम लोग चाह रहे हैं कि बहुत तेजी से काम हो जाए। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने तो जो भी जो शिक्षकों की बहाली है तो सभी पंचायतों में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गए और इसके लिए 2,768 स्कूलों में नए विद्यालय भवन और 3,530 विद्यालयों के अतिरिक्त क्लासरूम आदि के निर्माण हेतु कुल 7,530 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। और उस समय तो भाई विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त क्लासरूम आदि के निर्माण हेतु कुल 7,530 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। और उस समय तो भाई विजय चौधरी जी थे मंत्री, अभी तो अब उनका विभाग हो गया है वित्त विभाग, आज तो अपने बोलिए रहे थे, तो भी तेजी से काम बहुत तेजी से वो चीज भी पूरा हो जाए, क्योंकि पिछला बार भी देखिए हम बोल दिए थे, पिछला बार भी जो हो रहा था, अरे पिछले 2 महीना पहले तो उस समय भी हम एक बात कह दिए थे कि वो भी तेजी से काम उसका भी कर दीजिए ताकि ये काम जो है 7,530 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है उसको भी जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा। तो जितना भी विद्यालय भवन है, जितने भी विद्यालय हैं, सब बहुत अच्छे ढंग से हो जाएंगे। और एक बात तो और न जान लीजिए कि 2005 में तो ये भी न पता चल गया था कि 12.5% बच्चे
विद्यालय से बाहर थे, तो उसी में हम लोगों ने कर दिया। सब ज्यादा महादलित और अल्पसंख्यक थे, तो हम लोगों ने तो शुरू किया था टोला सेवा का तालमी मरकज, और उसके चलते अब लगभग 12.5% का काम पूरा हो गया। अब टोला सेवा का तालमी मरकज को जो हम काम में लगाए थे, अब उसको भी तो इतना हम पैसा दे दिए हैं, और सरकारी नौकरी उनको किया ही गया, सरकारी नौकरी दे दिया गया है, अब शिक्षकों की तरह ही उनको भी पूरा का पूरा हम लोग दे रहे हैं पैसा। अब उनसे भी हम यह उम्मीद करेंगे कि वो लोग भी अब स्कूलों में जाएं, तब इतनी संख्या में टीचर्स रहेंगे कि कोई दिक्कत कभी होगा नहीं, और सब लोगों को बहुत तेजी से पूरे तौर पर सब काम हो जाएगा। यही हम लोगों को चाहते हैं कि इसीलिए हर तरह से सब लोगों को पूरा हो, और इसलिए बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो काम किया जा रहा है, तो अभी हम लोगों ने पिछली बार कुछ महीना पहले ही एक कहा, और कितना तेजी से उन लोगों ने काम किया, तो इसीलिए तो बड़ा तेजी से काम हो रहा है। और भी जगह पर जितनी बहाली है, सब तरह की बहाली हो रही है, तो उनको भी मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं, और बाकी जो बचा हुआ है उसको भी जल्दी से जल्दी वो कर ले, ताकि तेजी से सब लोगों की बहाली हो जाए, हम यही चाहते हैं। तो आप सब लोग आ गए हैं, आवाज तो ठंडा है, और अभी काफी ठंडा है, अब तो रात होने जा रहा है, इसलिए आज हम ज्यादा क्या बोलेंगे, हमको तो खुशी है। तो आप लोग सब प्रसन्न है ना, और खूब पढ़ाइएगा ना, मेहनत कीजिएगा ना, हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बोलिए, खूब पढ़ाइएगा बढ़िया से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो दोस्तों, आपने स्पष्ट रूप से सुना कि बिहार के मुखिया सीएम नीतीश कुमार जी जो हैं वो क्या घोषणा कर रहे हैं। सदैव शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में रहते हुए जो बातें वो करते हैं, और आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के मौके पे काफ़ी गदगद दिखे। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि बिहार में चाहे जितनी भी बहालियां क्यों ना हो, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि बिहार में चाहे जितनी भी बहालियां क्यों ना हो, अब उन बहालियों पे हम रफ्तार देने जा रहे हैं। और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हम 10 लाख जो है शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को भी, जो हमने टारगेट बनाया था, उसे हम पूर्ण करेंगे। तो बस अब आप धैर्य बना के रखिए, और जल्द से जल्द आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो मिलेगा ही, और जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं, सेकंड मेरिट लिस्ट वाले जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं, उन अभ्यर्थियों को भी जल्द से जल्द अब नियुक्ति पत्र वितरण होगा। क्योंकि सीएम नीतीश कुमार जी जो हैं सदैव शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अब खड़े होते हुए लग रहे हैं, लेकिन एक काम जो है यहाँ पर बिहार में गलत किया गया है। डोमोसाइल नीति की अगर हम बात करें, तो जो डोमोसाइल नीति है वो जो है दोस्तों यहाँ से हटा दी गई है, और इसी का हम कह सकते हैं कि प्रभाव है यह है कि बाहर के अभ्यर्थी भी आ रहे हैं, और उन्हें मौका जो है उसमें दिया जा रहा है बहाली में। तो मेरा बस यही कहना होगा कि सीएम नीतीश कुमार जी से कि भाई आप डोमोसाइल नीति को लागू कीजिए, और बिहार के अभ्यर्थियों को ही बिहार में नौकरी दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतने, धन्यवाद।